नमो वैकुंठाणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधारणं आगे की बात आज यहाँ पर की जा रही है, पेज नंबर 327 कहते हैं, श्रवण का कार्य सर पूर्ण हुआ, मुनिराज का कार्य सर पूर्ण हुआ। आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि, ये ध्यान से बंद करेगा, पुत्र वचन की बात को याद नहीं आता है, कौन से लगा देगा। चलो अभी प्रवचन के लिए तो सामने नहीं आए थे, डिस्टर्ब नहीं करता, वहां बंद करो। श्रवण का कार्य संपूर्ण हुआ, आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि दोनों एड़ियों और पंजों के बीच खड़े होने की प्रवृत्ति। कैसे खड़े होते हैं? दोनों एड़ियों और हेड की पोजीशन ऐसी नहीं होती, थोड़ी सी कैसे जब अपन खड़े होते बैलेंस बनाते ऐसे, तो पीछे कितनी होगी एड़ी के यहाँ चार अंग कम से कम, है ना, और आगे साइड जब फैल के तो कितने अंगों का 11 कम से कम, कभी कभार किसी का ज्यादा कम भी हो सकता है, खड़े होने के कम से कम इतना है। प्रभाव ऐसा बनाया गया है, ऐसे खड़े होते हो दोनों एड़ियों और पंजों के बीच क्रमशः 4 और 11 अंगुल का अंतर है। अंगुल ये अपने अंगुल कहलाते हैं, एक एक अंगुली का एक अंग होता है, यदि एक दो ऐसे नाप ले जाते हैं, लंबाई वाले पूरा नहीं नापना भी ऐसा, ये है अंगुल 1 2 3 जैसे इसको अंगुल भाई अंगुल ऐसा, तो ये अंगुल होता है, एक अंगुल का एक अंगुल होता है, तो 4 और 11 अंगुल का अंतर पे स्थिति भोजन नियम का ही नहीं, एक भुक्ति का भी पालन है। अब यहाँ दोनों बातें नहीं कर रही है कि सबसे पहले खड़े होकर के आने की मूल गुण है, 28 मूल गुणों में मुनिराज को स्थिति भोजन खड़े होकर के हाल लेना, कितनी बार लेना, एक बार दिन में ले या बार, ऐसे नहीं कि महाराज खड़े होकर लेना तो कितनी बार लेना, कई बार ले सकते हैं, नहीं, स्थिति भोजन नियम का ही नहीं, पहले तो स्थिति भोजन का नियम तो है ही, साथ साथ एक मुक्ति का भी पालक है, एक बार ही आहार लेते हैं, बार बार आहार नहीं लेते। कैसे लेते हैं? पात्र ने अपने युगल करों को, अपने दोनों हाथों को कर, यानी हाथ पात्र ने अपने दोनों कर्मों को पात्र बना लिया। अब देखो यहाँ दो अर्थ, पात्र है यहाँ पर मुनिराज जिनको दान देने के लिए दिया जा रहा है, तो वो पात्र हो गए, और दूसरा पात्र जिसमें भोजन करते हैं आप लोग, तो मुनिराज का पात्र क्या है? कर पात्र, दोनों हाथ ही उनके पात्र है, कर पात्र ही बनते हैं। ऐसे कर पात्र बना लिया, दाता के सम्मुख आगे बढ़ा गया, जो देने वाला है उस दाता के
सामने सम्मुख आगे बढ़ाया, जिस समय उन्होंने हाथ बढ़ाया उस समय का प्रसंग का चित्रण कैसा है। मन को मान शिखर से नीचे उतारने वाली, जब किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो उस समय अपना मान क्या होता है, कम होता है, केवल दीनता नहीं आती है अभी ध्यान। किसी से मांगने वाला जो होता है उसका हाथ नीचे ही होता है, देने वाले का हाथ ऊपर ही होता है, तो वहां वही नहीं होता है। मन को मान शिखर से, मान के शिखर से नीचे उतारना, उतारने वाली भिक्षावृत्ति यही है, यही तो है, इसी को भिक्षावृत्ति कहा। और सही भिक्षावृत्ति है करती हुई यह देखू चलाती हुई मानसा करती है, उस भूख चलाती हुई मानसा करती हुई इच्छावृत्ति को लेते हुए वे मुनिराज अपने लिखा है। मुनिराज आहार इच्छा के साथ श्रावक के सामने हाथ तो फैलाते हैं, पर हाथ फैलाने में उनको कहीं किसी प्रकार की दीनता के भाव से हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि भिक्षावृत्ति एक वो होती है जो भिखारी लोग मांगते हैं, दे दे कृपया दे दे, ऐसा कर दो, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये दीनता के साथ नहीं है। लेकिन इतना है कि मान अभी मान भी नहीं है, वहां अभी अपने अंदर के मान अभिमान को छोड़ करके उस दाता के देने वाले गुणों की सराहना करते हो कि वे मुनिराज जी कहते हैं कि चलो भाई इसको आज देने का सौभाग्य मिला है और आज मुझे यहाँ इसके आहार लेने का भी अंतरायकरण का संयोग हुआ है। अब दोनों का कितना कहाँ क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, दोनों का अपना अपना है। मुनिराज के दाना अंतराय कर्म का और निगावांतराय कर्म का और श्रावक का दानांतराय कर्म का, जब दोनों का संयोग होता है तभी उसको पूर्णतया आहार होने की बात होती है। अगर किसी एक का भी अगर गड़बड़ हो जाए तो दान देने वाले को भी दाता और दान नहीं दे पाता। जैसे कि कई बार आप तो कहते हो कि तुम्हारे दानांतराय कर्म का उदय था, तुम्हारा चौका लग रहा था और उसी दिन जिस समय आहार दान का समय आया और कोई ऐसी बात सुनने में आ गई जिसको दान देने आने वाला था वो कहीं चला गया और घर परिवार घर वाले दूसरे लोग जो खड़े थे उनको आज आहार दान देने का सौभाग्य मिल गया और उसी दिन आचार्य महाराज के आहार उसके घर पर। अब वो सोचता है कि भगवान कैसे अंतराय कर्म का हो जाए था, आज ही काम आ गए थे, आज ही गुरु जी के आहार हो गए और आज ही हमें हिस्सा ले आगे। ये मत देखो अंतराय कर्म का उदय किसी रूप में भी आ सकता है। अंतराय कर्म वही है जो अच्छे कार्यों में बाधा डाल दे, ये अंतराय की विशेषता है। बुरे कर्मों में अंतराय नहीं होता, पाप कर्मों में पुण्य कर्म में भी अंतराय कर्म होता है, सबसे बड़ी बात है। पाप कर्म में अगर अंतराय हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंतराय की विशेषता है कि वो पुण्य में ही बाधक बनता है। दाता और पात्र के बीच में अच्छे कार्य, पूजा करने का भाव अच्छा, इतना अच्छा आयोजन चल रहा था और संयोग ये होगा कि कुछ ऐसा सौदा कर्म का उदय आया कि पूजा नहीं कर पाया, सूतक हो गए। मात्र आहार में भी अंतराय नहीं होता, उसके भाव के लिए कितने दिनों से भाव संयोजित की ऐसा कार्यक्रम होगा मुझे इसमें भाग लेना है, मन में भाव संयोजित थे और जैसे कार्यक्रम चालू हुआ और कुछ ना कुछ ऐसी बाधा उपस्थित
हो गई, बीमार हो गया, कोई संसूचक हो गई, कुछ घर में कोई इस प्रकार का घटना दुर्घटना हो गई जिसके कारण से वह उसमें भागीदारी नहीं बन पाया, ऐसे भी हो सकते हैं अंतराय करके भी। तो इस प्रकार अब भूख की मीमांसा या फिर सदा की मीमांसा के बारे में, सदा की मीमांसा करती है लेखनी। देखिए मीमांसा क्या हो रही है, भूख दो प्रकार की होती है, केवल सदा भी कहो या भूख कहो एक ही बात, दो प्रकार की होती है, एक तन की एक मन की। तन की तन के है प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्वाभाविक है, थोड़ा खाया बजाया और जो स्वाभाविक जो कि प्रतिदिन की होती है ऐसा उसको प्राकृतिक भी है। मन की मन जाने, मन की भूख की क्या है, मन जाने एक अर्थ है बहुत है, ये कितना प्रमाण है उसका, वैकारिक जो रही मन की भूख की कोई सीमा नहीं है, तन की भूख की तो सीमा। ये अपने आप लोग सुनाते हैं कि तन की भूख तनक है आत्मा या से, इतना ही उम्र जाने से ज्यादा कौन कितना खाएगा, आधा पाव कोई शेर भर, शेर भर में कौन कितना होता है, एक किलो से थोड़ा कम होता है शेर, 200 ग्राम समथिंग ऐसा कहते हैं, आधा पाव या शेर। और मन की भूख मनक है, इसलिए आचार्य चिंतक था मन की मन जाने इसकी भूख की कोई सीमा नहीं है, कितनी प्रमाण है उसका, वैकारिक जो रही इसकी इच्छा है बढ़ती रहती बढ़ती रहती। कैसे भाई भूख की क्या भूत है भयंकर, मन की भूख नहीं वो तो क्या है, भूख नहीं वो है भूख की क्या भूत है भयंकर, जिसका संबंध भूतकाल से ही नहीं अभूत से भी है, आने वाला अभूत कर क्या, अभी जो आया नहीं है भविष्य काल जिसे अपने आने वाला है उससे भी है, कैसा तो एक अभी जो किया ये तो ठीक है, अब कल का करना है, कल की क्या योजना है, कोई कल के बारे में भविष्य के बारे में और सोचा करता है, कल क्या करना है, कल कैसा होना है, तो वही है जिसका संबंध मात्र भूतकाल से ही नहीं अभूत से भी है, यही कारण है अभी तक प्राणी है, अभी भूत जो नहीं हुआ सबको उपलब्ध कर रहा है, लगा है उसकी इच्छा पूरी करने। एक बात और है संसार में, ये संसार एक प्राणी की दशा क्या है, इसको अच्छी बातें याद नहीं रहती, बताओ मरा जाए और कहीं दूर कहीं जाने, बाकी इतना है कि आज मुख माटी में बहुत अच्छी बात कही इतनी बात तो याद है, और लेकिन किसी की पार्टी में गए हो बारात में भोजन में गए हो अगर 1 साल पहले भी गए हो तो आज भी याद रहता कि पता नहीं किया, वो शादी में गई थी वाले भैया जी जी उसमें क्या भोजन बनाया था, सब पूरी थाली दिखाई देती है, आंख बंद करते ही सब कुछ क्या दिखाई देने लगता, तो ये क्या है भूत का विषय ज्यादा, इसलिए यहाँ क्या कहा भूत भयंकर है, ये मन का कहे क्या, ये तो भूत के समान एक बार लग गया चिपक गया, ये भयानक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए मन की भूख सबसे ज्यादा भयानक है। ये सबसे बड़ा और एक और बात है, एक और अच्छाई के क्षेत्र में तो बुराई के क्षेत्र में,
प्राइवेट सेक्टर में था, अगर मान लो किसी के यहाँ भोजन करने गए और कोई ने अच्छे से बड़े प्रेम भाव से सुनाया, अरे महाराज क्या स्वागत सत्कार किया था उन्हें हमारा, सब कुछ याद रहता है, और थोड़ी सी अगर चूक कोई कर दे, बुरा बोल दे, अरे भोजन तो सब कुछ अच्छा था लेकिन कि आदमी बड़े तो आदमी को अपने मान अपमान बिल्कुल याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता। उनके यहाँ गए तो उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था, ये मन की विसंगतियां हैं आदमी को हमेशा। इसलिए तल भयानक नहीं, भयानक अगर कोई है तो क्या है, आदमी का मन सबसे ज्यादा कसाय तल से नहीं उपजती। कसाय अगर होती तो व्यक्ति की मन और विसंगतियों से ही होती है, वही बात। इसलिए अभी तक यह प्राणी अभिभूत जो नहीं हुआ स्व को उपलब्ध कर, ये अभिभूत है, इसके ऊपर इसका उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, इसका आज तक कल्याण के भाव इसके नहीं लगे, ये उपलब्ध कर। अब आता है ये तो हो गया मन की बात, जहां तक इंद्रियों की बात है, और लोग आकर के दोष देते इंद्रियों के कारण से दुखी है, ये इंद्रिया ही उसका कारण है, ऐसा जहां तक इंद्रियों की बात है उन्हें भूख लगती नहीं, कोई इंद्रियों को भूख नहीं लगती, बाहर से लगता है कि उन्हें भूख लगती है। रसना कब रस चाहती है, रसना कब रस चाहती है, नासा गंध को याद नहीं करती, स्पर्श की प्रतीक्षा स्पर्श कब करती है, बस बात है। स्वर के अभाव में जब कब चढ़ता है श्रवण को, स्वर के अभाव में ज्वर, अरे कोई नहीं बोले तो क्या, कानी को कभी चल जाए बुखार चढ़ा, नहीं मुझे ऐसा नहीं मिलेगा तब मैं अपनी गर्मी में काम हो गया, ऐसा नहीं जो कब चढ़ता है श्रवणा को, भारी बहरी श्रवणा की जीती मिलती है, अरे किसी को सुनाई नहीं देती तो भी उसको श्रवण इंद्री दिखाई देती है। आपके कब आरती उतारती है रूप की स्वरूप की, ये सारी इंद्रियां जड़ है, इंद्रिया कैसी है सब जड़ है, जड़ का उपादान ही जड़ होता है, ये भी बात है। ये इंद्रिया जो बड़ी है कहाँ है तो बोले शरीर में, शरीर क्या है, बोले शरीर में ही इंद्रियां है, जहां इंद्रियां इसका उपादान इसका उत्पन्न, जहां उसका जन्म हुआ है उपादान कारण है, ये शरीर भी जड़ है तो इंद्रियां भी क्या है, जड़ है। द्रव्यंत्र की अपेक्षा से लेना एक कथन जो किया जा रहा है, कभी द्रव्यंत्र इसलिए कभी इंद्रियों को ज्यादा दोष मत दो, जड़ का उपादान जड़ ही होता है, जड़ में कोई चाह नहीं होती, जड़ की कोई राह नहीं होती, सदा सर्वत्र समान, अंधकार हो या ज्योति सब समान एक समान है, अंधेरे में भी और प्रकाश में। हाँ हाँ आवाज की बात आती है, विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के मध्य से ही होता है, इतना निश्चित है। विषयों का यानी जैसे रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ग्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनका बोध इंद्रियों की इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। यानी आपको ये बताया जा रहा है ये अपनी द्रव्यंद्रिय ज्ञान के कारण तो है लेकिन जलाने का कारण बनती है, वही है
विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के माध्यम से ही होता। विषय रसकों को वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रियां एक खिड़कियां हैं। इंद्रियां क्या है? खिड़कियां हैं। खिड़की से छाता काका झाकी कहां से होती है? इन खिड़कियों से। तब यह भवन रहा। आपका शरीर क्या है? भवन। जैसे घर बनाया तो घर बनाते हो तो घर में खिड़की दरवाजे क्यों लगाते हो? दरवाजा आने जाने ऐसा ही है। बिल्कुल ये भवन में ये तन भवन रहा। भवन में बैठा बैठा पुरुष भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है। वासना की आंखों से इच्छा और वासना करके क्या हो गए यहाँ पर? इच्छा आशा कामना इस प्रकार की है। तो भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है वासना की आंखों से और विषयों को ग्रहण करता रहता है। देखता रहता है ये बहुत अच्छी है ये बहुत खराब है ये अच्छी लग रही है खराब लग रही है इसकी गंध अच्छी है इसकी सुगंध अच्छी नहीं है। ये खिड़कियां है खिड़कियों से वो ताका झाकी चलती रहती है विषयों को ग्रहण होता रहता है। दूसरी बात यह है कि मधुर अम्ल कषाय आदि जो भी रस हो है कोई भी रस हो शुभ हो या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें चख लो तुम। कभी कभार किसी रसगुल्ला ने जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में जाके कहा कि तुम हमें खाओ नहीं कहा। तुमने जब तक उठाओ नहीं तब तक उसने वो ये बात जरूर है कि तुम्हारी अंदर की इच्छा को उठीना में कारण जरूर है। वो कभी भी उठकर के तुम्हारे मुंह में नहीं गया चल के तुमने उसको उठाया मुंह में डाला तब वो मुंह में जाता है। यही है मधुर अम्ल कषाय आदि जो भी रस हो शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें चख लो तुम। कभी किसी रस ने नहीं कहा तुम ये चखो मुझे चखो ना। लघु गुरु स्मित रूप से एक विशेषता है। लघु यानी हल्का गुरु यानी भारी। ये इस पर रचना मेरे को इस पर स्मृति के विषय आ रहा है और इसने क्या है चिकना रुखा है रुखा शीत उष्ण मृदु कठोर ये स्पर्श इंद्र की आठ गुण है। स्पर्श इंद्र के क्या रहेंगे? आठ गुण। शीत है यानी ठंडा उष्ण यानी गर्म मृदु यानी मुलायम कठोर यानी कठोर ये किस कौन सी इंद्र के विषय है? स्पर्श इंद्र के विषय स्पर्श इंद्र के जो भी स्पर्श हो शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं हमें छू लो तुम। आज तक कोई भी इंद्रियों के विषयों ने कहा तुम मुझे छू लो। अब दूसरी इंद्री इसके बाद स्पर्श की बात देख यहाँ पर रचना को पहले कर दिया। दूसरी बात है रचना को पहले रख दिया क्योंकि सबसे ज्यादा एक विशेषता है स्पर्श सबसे पहले इंद्री है स्पर्श पर बाद में उसके नंबर क्या आती है रसना। लेकिन आचार्य जी ने रसना तो पहले कह दिया क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा इस आदमी को संसारी आत्मा को रसना इंद्री से ज्यादा राग होता है। सबसे ज्यादा राग होता है खाने पीने से सबसे ज्यादा राग होता है। रस में ज्यादा आनंद तो रस कितने होते हैं जैसे अम्ल मधुर कहो अम्ल यानी छारी जैसे है कसाय ना कहो है ना उसमें भी कोई भी है चरपरा कहो खट्टा मीठा कहो ये सारे सारे रसों के वो भी सुभाष होगी इन सबको
रिस्पर्सेंटी का काम। अब इसके बाद कौन सी इंद्रिया रही है? घ्राणी, तीसरी इंद्रिया का नाम सुरभि या ध्रुवि, सुगंधित हो या जो भी गंध हो वह शुभ या अशुभ कभी कहती नहीं कि तुम हमें सुख दो। कृष्ण नील पीत आदि जो भी वर्ण हो शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि तुम हमें लख लो तुम, यानी आखिर चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। ये वर्ण आदि पांच भेद हैं इसके। और सारे रामा पाधा नी है जो स्वर हो शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं हमें सुन लो तो आज तक ये लोगों ने नहीं कहा। सुनो सुनो परस रस गंध रूप और शब्द ये जड़ के धर्म है, जड़ के कर्म सारे के सारे जड़ के धर्म है और जड़ के कर्म है। इससे यही फर्क हुआ कि मोह और असता के उदय में सदा की वेदना होती है। ये सदा दशा का सिद्धांत है। मोह और असता के उदय कभी भी आपको जो भूख लगती है ऐसी होना चाहिए। तो रंग लिखा जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है लगता है उनके असता वेदनी कर्म का हो जाए कम। एक व्यक्ति है वो दिन में दो रोटी खाता है, उस दो रोटी में उसका सारी तृप्ति हो जाती है, वो दिन में दो रोटी में ही अपना काम चला लेता है। और एक व्यक्ति 20 रोटी खाता है फिर भी कहता मुझे भूख लगी, इतना होने के बाद भी कहता है मुझे भूख लगी, यानी असाधो असता कर्म की उदीरणा सबसे ज्यादा है। एक बार बहुत अच्छी राजसी चर्चा चली। राजसी ने कहा कि कभी कभार व्यक्ति के पूर्व भाव का परिचय होता है इसके माध्यम से। कैसे? नरक से निकला हुआ आदमी जब देखो जब कहता है और अभी इसमें तृप्ति नहीं है, भूख ही भूख चिल्लाता रहता है। त्रिजगति का आदमी या जीव जो आता है उसको जितना खिलाओ उतने में वो कभी संतुष्ट त्रिजगति की दशा क्या है? अगर अच्छे से खिला पिला के लाओगे घड़े घंटा बाद खोला उसको जो फर्क जब चाहे उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, उससे कच्चे छोड़ने की बात कहो तो कहता हम नहीं सही हो पाएगा। हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, कम नियम नहीं लेते चल नहीं पाएगा। होता क्या है महाराज हम खाते नहीं, अगर कोई सामने अगर कच्चे दे दे तो हम रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं होता। दिखाता है तो फिर तो हम अपने आप को रुक नहीं पाते। अच्छा ये समझ लेना ये लक्षण कहाँ के हैं। उसके दो सिद्धांत है, उन्होंने कहा या तो इसने नरक गति का बंद कर लिया या त्रज गति का बंद कर लिया इसके कारण ऐसा, या फिर ये वहां से आया है इसलिए इसको कितना भी खाओ इसको संकल्पित हमेशा होता रहता है। एक व्यक्ति हो गए कई व्यक्ति क्या करते हैं नारकी जिससे खाते भी जाएंगे चिल्लाते भी जाएंगे गुस्सा भी करते जाएंगे लड़ते भी जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही होते नरक गति के वहां दशा क्या है आपस में लड़ाई चल रहा खींचा तंगी मारा पीटी गुस्सा गुस्सा चलते रहेंगे। और एक त्रंज गति में क्या है भोजन के लिए आदमी क्या क्या झूठा मायाचारी भी करता रहता है छुपाता भी है ये भी होते हैं। और लेकिन त्रंज गति के लक्षण ऐसे ही दिखाई देते हैं
रंजनतुलारी का स्वभाव ऐसा ही होता है, मायाचारी पूर्वक भोजन करता हुआ है, चरंज को आप देख रहे हैं, सामने वाले एक तरंज दूसरे तरंज की छीना चपटी करता है, उसको खींचता है और भागता है और छुपाता है कहीं वो देख ना ले, यही ऐसा वह कर्म का उदय है। मनुष्य वृत्ति का व्यक्ति जो है आया हुआ इतना है कि वो भोजन पानी करता तो पर संतुष्ट जल्दी हो जाता है, ज्यादा की जरूरत बोले कि देवगति के आदमी अल्पाहारी होते हैं, उनको कम भोजन में ही क्या हो जाता है, या तो जिनको देवगति का बंध हो गया है वे, या जो देवगति से आए हैं वो अल्पाहारी होते हैं, उनको ज्यादा भोजन आने की अपेक्षा ज्यादा दृढ़ता नहीं रहती, जो मिला जैसा मिला संतुष्ट हो जाते हैं, बस वही विशेषता है यहाँ पर इस सुधा के बारे में ऐसी कहा कि इससे यह फलित हुआ कि मोह और असाता के उदय में सुधा की वेदना होती, इसके उदय में उस सुधा की वेदना होती है, यह सुधा प्रसाद का सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत मात्र इतना ज्ञात होना ही साधुता नहीं वरन ज्ञान के साथ साम्भव तो साम्य भी अनिवार्य है, श्रवण का श्रृंगार ही संता साम्य है, ऐसा निहार करते समय सबसे बड़ी विशेषता साधु की गुणों का परिचय उस समय ही देखा जाता है। आचार्य श्री हम लोगों से कहते थे कि ये बताओ श्रावक को साधु का सही परिचय कब होता है, ये इनका परिणाम क्या है, तो बोले कि एक ही समय है वो है आहार चर्या का समय, कौन सा समय है आहार चर्या का समय, जिस समय साधु को श्रावक अति निकटता से जानता है और साम भाव का परिचय उसी समय होता है उसका, अगर उसके अंदर आकुल व्याकुल परिणाम है उथल भुथल परिणाम है, श्रावक कहता है भैया हम तो ठीक है वो तो भूल इसकी बात हो ही जाती है, गलती हमसे तो हो ही जाती पर महाराज तो भैया तरफ सी गलती का भाई तो भाई गुस्सा लगता बहुत कठिन है महाराज, वो श्रावक कहता और फिर बाद में अगर थोड़ा साधु गलती हो कोई बात नहीं ज्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत है, महाराज आज हमने देखो इतनी बड़ी गलती कर दी पर महाराज के चरित्र सिवन तक दिखाई नहीं दी, ये कहता समता साम भाव, हमसे गलती हो गई महाराज हमें जो देना नहीं तो पता नहीं कभी हमारे ऐसी चीज विपरीत चीज उनको चल गई फिर भी महाराज ने कुछ नहीं कहा, ये साम भाव बोले की साधु की परीक्षा साधुता उसके पास कैसी है कितना संता भावी है वही समय होता है जो श्रावक और दूसरों को परिचय देखा जाता है, इसलिए एक और बहुत अच्छा उदाहरण बोले की सोना असली है कि नकली, सोना असली है कि नकली, इसका पहचान कैसे जोड़ी करता है बोले की कसौटी का कस करके, एक बाहर जाकर के वह कसौटी पर लगाता है और जैसे ही उसका चोखा बन दिखता है हाँ ये असली है, बोले कि जैसे ही साधु का परिचय और श्रावक का परिचय दोनों का भी वो कसौटी जैसा होता है उस समय, एक घंटा एक घंटा दो घंटा या जो भी समय ज्यादा से ज्यादा साधु को आहार चर्या का समय उसके साधु लिखा है कि सवा दो घंटे तक हो सकती है, लेकिन जिनकी जितना जो है उतने की कम से कम समय में वो अपना काम करके आ जाते हैं, तो ऐसी चर्या का श्रवण का श्रृंगार ही साम संता साम्य है, ये जो बात कही जा रही है कि वो श्रवण का साम्य भाव संता भाव भी उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। इधर मुनि राज की अच्छे से भक्ति पूर्वक पूजन पाठ होने के बाद
विराज खड़े हो गए हैं किसके लिए? आहार चर्या को आगे अपने सदा का प्रतिकार करने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिए हैं। इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य, पात्र के पात्र में तासुक पानी से है ना, तासुक कौन सा पानी होना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी तो होगा जैसा नहीं, तासुक पानी से, प्रासुक पानी का तो बहुत अति गर्म भी नहीं अति ठंडो भी नहीं, परंतु यह क्या यथा पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया, जैसे ही हाथ बढ़ाया उसने ठेले उपयोग किया, तो अब उन्होंने अपने अंजलि बंद कर ली कि तुरंत दूसरी ओर से स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया। पहले बात बढ़ाया तो अच्छे सोने का कलश सेठ जी के यहाँ हो रहा है, अगर सेठ है तो छोटा मोटा मुझे आज के यहाँ, तो सेठ जी के यहाँ हुए तो उन्होंने अच्छे स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया जिसमें स्वादिष्ट दूध भरा था, दूध से भरा हुआ स्वर्ण पात्र उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर भी अंजलियां खुली थी। तीसरे ने रजत कलश आगे दिखाया, अब चांदी से का कलश आया जिसमें मधुर इच्छु रस भरा है, चांदी के रस में वो कलश में है। तो जब भी जब वह भी उपेक्षित ही रहा तब स्फटिक धारी की बारी आई, स्फटिक की अच्छी धारी की बारी आई, अनार के लाल रस से भरी तरुणाई अरुणाई सी, और स्फटिक रस में भरी हुई उसके राखे रखी हुई लाल लाल पूरी लाल वाय तरुण दिखाई दे रही है। आश्चर्य है अतिथि की उस पर भी एक बार भी दृष्टि ना पड़ी, उसको भी उन्होंने नहीं देखा, विस्मय हो निराशा में बजरी वह धारी। अब अति विलम्ब अनुचित है, अधिक विलम्ब मत करो, अनुचित हो रहा है कहीं अंतराय करके बैठ न जाए, ये बात किसी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा समय तक अंजलि बांध करके खाली खड़े पात्र रहने वाले नहीं है, अंतराय बांध कर बैठ सकता है, बिना भोजन अतिथि जा सकता है, ये आशंका परिवार की उभरी उसके मन में कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, अंतराय ना हो जाए, मन में उभरी और मन में प्रभु का स्मरण करते हुए किसी तरह धरती धारते शक्ति पूरी तरह शक्ति समेट करके कपाते करों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया। तो माटी का कुंभ जो अच्छा आया था उस माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने, लो अतिथि की अंजलि खुल पड़ी, अतिथि के अंजलि खुल पड़ी, साथी के धवलई जलकणों को देखकर सागर पुल पर तैरती सुक्ती की भांति उसका आनंद। चलो महाराज ने हार लेना प्रारंभ, तो जैसे साथी के धवलम साथी नक्षत्र में धवलम वह धवल जलकणों पर तैरती, उस जल के कणों पर तैरती हुई सागर की ओर, मेरे सागर के ऊपर उड़ तैरती हुई शक्ति की वह सीप की भांति, और चार पांच अंजलि जल पान हुआ उसके बाद है कुछ इच्छुरस का सेवन, फिर जो कुछ मेरा मिलता गया बस अभिकल चलता गया, जब चाहे मन चाहे नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए किसके बाद क्या देना, नहीं महाराज देते जा रहे तो मैं जैसा ध्यान तो देते ही जाओ, दूध के ऊपर रस देने के नहीं देना, किसके ऊपर क्या देना है, ये विवेक श्रावक को होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी बार क्या होता है, मैंने महाराज है
मुझे दीक्षा हुई है और दीक्षा हुई है तो कुछ आर्य मालूम थोड़ा सा अनुद्धता हुई और सावन के अनुद्ध मिल गए दोनों, तो फिर क्या होगा? बोले की कल्याण का वो गड़बड़ हो जाए, पूछ आके किसके ऊपर क्या चलाना था क्या नहीं चलाना था, कौन सा समय चल रहा है, ठंडी क्या समय चल रहा है, और तुमने दिया और अच्छा ठंडे ठंडे दूध लस्सी बना के दे दिया, अरे भैया वो ठंडी से और क्या हो जाएगा, उनकी शीत हो सकती है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, या ऐसा नहीं, फिर भी जो कुछ मिलता गया बस अभी तक चलता गया, जब चाहे मन चाहे नहीं है और मन चाहे बिना याचना बिना कोई संकेत बस पेट हो बस हो संकेत बस पेट हो हो, फिर जैसी भी हो भोजन रसदार हो या रूखा सूखा सब समान है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है क्या हो, उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन होता है? जैसे एक समान एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन तो होता है, भोजन पान का है ना, तो क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन होता है? बर्तन तो बर्तन ही रहेगा, उसको कोई परिवर्तन ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, बर्तन आकर कोई रास्ता है नहीं? और ना कोई रुदन बचाता है, आज तक कोई बर्तन होया नहीं। धन्य है यह नर योग यह नर्तन सब तनों में वर तन, बर्तन उत्कृष्ट तन है, बर्तन नहीं है, बर्तन का परिवर्तन नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट यह तन अगर कोई है तो धन्य है यह नर और यह नर तन जिन्होंने सब तनों में ऐसा है वर वर्तन किया, प्रस्तुत किया है और इस प्रकार वर यानी उत्कृष्ट धन है, ऐसे उस मानस पर्याय को धन्य करते हुए वे मुनि राजों की आचर्या प्रारंभ हो गई है। आगे की बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष के बीच सागर श्री महाराज की समस्त मुनि।